मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं माननीय 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे माननीय, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार माननीय। मान्यवर, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए। मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता, ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड, बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं जिसमें मतदान का प्रावधान है। माननीय, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। माननीय, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। माननीय, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मान्यवर, ऐसा है जयराम जी, आपको भी मालूम है, अभी नहीं हो सकती। कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है। मान्यवर, देश की जनता सुन ले, 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी ही लाई है और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है माननीय कि सदन में कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, मैं हर बात का जवाब दूंगा। और ये मेरा संवैधानिक दायित्व है, मगर जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो तब ये चाहते हैं मैं यहां बैठूं। माननीय, इनको अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। सब अविश्वास का प्रस्ताव होता है, मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है माननीय। और 11 तारीख में क्या बुराई है 11 तारीख में क्या बुराई है? माननीय, चर्चा से भाग रहे, ये चर्चा नहीं चाहते हैं माननीय, होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं माननीय कि चर्चा करनी नहीं है, और चर्चा करे तब बोलकर भाग जाना है। आज अच्छा है, कम से कम एकता दिखाने के लिए वोटिंग करने के लिए बैठे हैं, चलो वो बहाने से भी बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पूरा सदन से माननीय निवेदन है कि जो मैं विधेयक लेकर आया हूँ इसको पारित किया।